हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी क्लास 11th हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोयम अ फोटोग्राफ की एक समरी। इस पोयम की ऑथर है शिर्ली टाउलसन। पोयम की स्टार्टिंग में हमारी ऑथर एक फोटो की तरफ देख रही होती है। उस फोटो में उनकी मदर और उनकी दो कजिन्स बेटी और डॉली थी, और ये फोटो तब खींची गई थी जब उनकी मदर सिर्फ 12 साल की थी और वो अपनी कजिन्स के साथ बीच पर बोटिंग करने गई थी। ये फोटो उनके अंकल ने तब खींची थी जब उनकी मदर अपनी दोनों कजिन्स का हाथ पकड़ के खड़ी थी और उनकी मदर दोनों के बीच में खड़ी थी। उनकी मदर उन तीनों में सबसे बड़ी थी। उस फोटोग्राफ में तीनों स्माइल कर रहे थे और क्योंकि तब हवाएं चल रही थी तब उनके बाल उनके उनकी चेहरे की तरफ आ गए थे। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि उनकी मदर का बहुत ही प्यारा चेहरा था और ये फोटो तब खींचा गया था जब ऑथर पैदा भी नहीं हुई थी। उसके बाद हमारी ऑथर हमें बताते हैं कि इतने सालों बाद जब उनकी मदर इतनी बड़ी हो गई थी तब उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, पर वो सी बिल्कुल अभी भी सेम ही दिखता था। फिर ऑथर हमें बताती हैं कि उस फोटो के खींचे जाने के 20 से 30 साल बाद जब उनकी मदर उस फोटो को उनके साथ बैठकर देखती थी तब वो उसे देखकर बहुत हंसती थी और उनकी कजन्स बेटी और डॉली की ड्रेस पर कमेंट भी करती हैं। इसी के बाद ही ऑथर हमें बताती हैं कि जिस तरह उनकी मदर की बीच पर बिताई हुई छुट्टियां उनका पास्ट थी, वैसे ही अब ऑथर के लिए उनकी मदर की वो स्माइल उनका पास्ट बन चुकी है और उन दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है जिसके कारण वो दोनों ही बहुत उदास हैं। इसके बाद हमें ऑथर बताते हैं कि उनकी मदर की डेथ 12 साल पहले ही हो चुकी है और क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली रहती हैं, उनके साथ कोई बात करने वाला, उनके साथ कोई हंसने वाला कोई नहीं है, उनके आसपास बिल्कुल शांति है और इसी शांति ने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और इसी के साथ एंड होती है ये पोयम अ फोटोग्राफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और आप ऐसे ही वीडियोस को अगर देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।